उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ बालू से भरा एक ट्रक झोपड़ी पर पलट गया, जिससे घर के बाहर सो रहे एक ही परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अब परिवार में सिर्फ एक बच्ची बची है। मरने वालों में पति पत्नी, 4 बच्चे, दामाद और नातिन शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा शहर से 50 किलोमीटर दूर कानपुर हाईवे पर बुधवार रात 1:30 बजे मल्लावा चुंगी के पास हुआ। यहां कानपुर हरदोई मार्ग पर लोग सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि रात में सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई थी। सभी लोग दौड़कर अवधेश के घर के बाहर पहुंचे तो देखा पूरा परिवार ट्रक के नीचे दबा था, एक बच्ची वहीं घायल पड़ी थी। हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पहुंची पुलिस ने जेसीबी बुलाई। इसके बाद ट्रक को सीधा किया गया, बालू को हटाया गया, घायल बच्ची बिट्टू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने बताया कि हादसे में बच्ची के पैर में चोट आई है और अभी वह सदमे में है। उससे बात करने की कोशिश की गई लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही है। ग्रामीणों ने बताया कि परिवार ने 2 छोटी छोटी झोपड़ी बना रखी थी। हादसे के वक्त कुछ लोग घर के बाहर तो कुछ झोपड़ी के अंदर सो रहे थे। मासूम बच्ची अपनी नानी के साथ दूसरी झोपड़ी में सो रही थी। रात में गर्मी बहुत थी तो नानी घर के बाहर आकर सो गई, इस वजह से बच्ची की जान बच गई। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है।